हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड हो सकते हैं। बहुत से लड़कियों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी पीरियड आपको आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई ऐसे कारण हैं जिससे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई लड़कियां सोच लेती हैं कि ये पीरियड तो नहीं है। तो किन किन कारणों से आपको ब्लीडिंग हो सकती है और कब आपको डॉक्टर से इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही हेल्पफुल ये टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें हमारे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड आते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड आना संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे पीरियड आना बंद हो जाते हैं। तो जो ब्लीडिंग होती है, आप कुछ लड़की को बोलेंगी कि ब्लीडिंग जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो किस कारण होती है। तो सबसे पहले जो कॉमन ब्लीडिंग है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिलती है, सभी लेडीज़ों में तो ये ब्लीडिंग नहीं दिखती, कुछ कुछ लेडीज़ों में ये ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में आपको ये ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो जाके आपकी बच्चेदानी से चिपक रहा है, वहाँ पे अपनी जगह बना रहा है। तो इसमें हल्की फुल्की स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की इसमें स्पॉटिंग होती है, कोई पेन इसमें आपको नहीं होगा। पिंकिश कलर की हल्की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और हर लेडीज़ में ये ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है, कुछ परसेंट लेडीज़ों में ये ब्लीडिंग होती है। दूसरा, अगर जो प्लेसेंटा है वो नीचे है, लो लाइनिंग प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, इस पर मेरी वीडियो भी है ऑलरेडी इस चैनल पे। प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि जो आंवल है वो बच्चेदानी के मुंह पे है, तो ये भी ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। या फिर आपका जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया है, यानी कि अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है, तो ऐसे में भी वहाँ पे वो ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। तीसरा, क्या कारण होता है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का? अगर आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, यानी कि एबॉर्शन हो गया है, तो ऐसे में भी वो ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लीडिंग होने का। इसमें आपको ब्लीडिंग के साथ क्रैम्पिंग, यानी कि पेट में आपको दर्द, मरोड़े होना, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आपको दिख सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है। यदि आपकी ब्लीडिंग 5 दिन से ज़्यादा चल रही है और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग आपको हो रही है, साथ में क्रैम्पिंग, पेन आपको हो रहा है, तो ऐसे में ज़रूर आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, जिससे कि समय रहते ही जान सकें और उसका ट्रीटमेंट ले सकें, ताकि बच्चे और आप जो है सुरक्षित रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।